कैसे हैं आप सब लोग। वी नेचर चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही मजे कर रहे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एक उपाय शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही बेहतरीन टिप शेयर करने वाली हूँ। अगर आप परेशान हैं, आप किसी से प्यार करते हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है, अगर आप अपनी किसी इच्छा को लेकर बहुत ज्यादा दिनों से परेशान चले आ रहे हैं, कोई मनोकामना है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए पूरी होना, अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, एग्जाम देना चाह रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं पर सफलता नहीं मिल रही है, या फिर आपकी कोई भी इच्छा अगर है जिसको आप पूरी करना चाहते हैं, जिसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आज मैं आप लोगों को जो उपाय बताऊंगी इसको करके आप अपनी उस इच्छा को, अपनी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मनोकामना मतलब दिल में जो भी इच्छा है, ठीक है, उसको आप अगर दिल से चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए तो इस उपाय को आप कर लीजिए। बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान है। जैसे कि आपने देखा कि सिर्फ इस चीज को, एक चीज को आपको अपने मोबाइल कवर के पीछे रखना है, ठीक है। अब मोबाइल कवर के पीछे रखने से यहाँ पर इंटेंशन है कि एक मोबाइल ही एक ऐसी चीज है जो आज के समय में सबसे ज्यादा हमारे साथ रहता है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम फ्री होते हैं, फुर्सत में होते हैं, जब हमें कोई काम नहीं होता है, एक मोबाइल ही है जो सबसे ज़्यादा समय हमारे हाथ में रहता है, तो उस चीज़ को हमें इसीलिए मोबाइल के कवर के पीछे रखना है। और सभी के पास में मोबाइल जो होता है उसमें सभी ने लगभग कवर लगाया हुआ होता है, तो उस कवर के बीच में उस चीज़ को रखना है। तो कैसे करना है, क्या करना है और कब करना है, चलिए मैं आपको साथ में शेयर करती हूँ। मगर उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी हिट कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के काफ़ी सारे हेल्पफुल वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ जो आपकी डेली लाइफ की कई सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी मदद करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। या दोस्तों, तो यहाँ पर जो मैं आपको चीज बताने वाली हूँ वो है बेलीव, मतलब तेजपान, ठीक है। ये जो तेजपान का पत्ता होता है, इससे हमको हमारी इच्छा को पूरी करना है, ठीक है। तो हमें कैसे इच्छा को पूरी करना है इस तेजपान के पत्ते से, आपको क्या करना है, एक तेजपान का पत्ता ले लेना है और साथ में ले लेना है एक पेन, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगर बात करें कि पेन जो लेंगे वो कौन से कलर का लें, तो पेन जहाँ तक हो आप लें ग्रीन कलर का, ठीक है। हरे रंग का पेन अगर लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे से काम करेगा ये उपाय। और इसके अलावा आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं अगर आपके पास में हरा पेन नहीं है। बस ध्यान रखें ब्लैक कलर पेन नहीं लेना है, मतलब काली जो स्याही होती है वो नहीं लेना है, उसके अलावा कोई सा भी कलर आप ले सकते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। तो अब आप ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, ये जो बे लीफ है, ठीक है, इसके ऊपर आपको उस पेन से आपको सबसे पहले तो लिखना है 1176, ठीक है। ये एक एंजल नंबर होता है, ये किसी भी इच्छा को, किसी भी मनोकामना को पूरी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। तो आपको ले लेना है एक बे लीफ, उस पर आपको हरे रंग के पेन से या फिर कोई भी रंग के पेन से 1176 लिखना है। उसके बाद में आपको आपकी जो विश है, जो आपकी इच्छा है, उसको प्रेजेंट फॉर्म में लिखना है, मतलब इस तरह से लिखना है जैसे वो पूरी हो चुकी है, ठीक है। अब ऐसा आप कर लेंगे, आपकी इच्छा मान लीजिए, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल लेकर बता रही हूँ, आप किसी से प्यार करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं आशीष से बहुत प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, ठीक है। तो अब मुझे उसे कैसे लिखना है, आशीष और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हमारी शादी हो चुकी है, थैंक यू, ठीक है। तो ये हमने उस पर लिख दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिख के बता रखा है इस तरह से, ठीक है। अब अगर आप, आपके कोई ड्रीम जॉब है उसे आप चाहते हैं, तो आप आपका बकायदा जो जॉब है उसका नाम लिखेंगे कि मुझे ये जॉब मिल चुकी है और मैं इस पोस्ट पर जॉब करता हूँ, मेरी सैलरी इतनी है, ठीक है। मतलब जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी विश है, उसको आपको प्रेजेंट फॉर्म में लिखना है जैसे वो आपको मिल चुकी है। मिलते समय आपको फुल एफर्मेशन, फुल पॉजिटिविटी के साथ में लिखना है, पूरी पॉजिटिविटी के साथ में लिखेंगे। और बस लिखने के बाद में आपको आपके फ़ोन का जो कवर होता है, ठीक है, फ़ोन और कवर के बीच में जो स्पेस होती है जहाँ पर अधिकतर लोग 100 का 200 का 500 का नोट रखे हुए होते हैं, उस जगह इस पत्ते को आपको रख लेना है, ठीक है। इस तरह से रखना है कि आपको वो, मतलब वो चीज़ जो आपने लिखी हुई है वो बाहर ना दिखे। कईयों के ट्रांसपेरेंट कवर होते हैं, तो ट्रांसपेरेंट कवर अगर है तो आप उल्टी साइड रखें, मतलब जो लिखी हुई साइड है वो फ़ोन से लगी हुई रहे, मतलब वो जो लिखा हुआ है वो बाहर ना दिखे, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं इतना तो कि कैसे रखना है, ठीक है। इस तरह से आप रख लेंगे और बस फिर भूल जाएंगे, पूरी लाइफ में एक बार करना इसे, ठीक है। एक ही बार इसको लिख कर और अपने इस तेजपान के पत्ते को अपने फोन के कवर के बीच में रख लेना है और बस आप भूल जाएं। आप खुद देखेंगे बहुत ही जल्दी आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये जो तेजपान का पत्ता होता है ये बहुत ही इफेक्टिव माना गया है इन स्पिरिचुअल टोटकों के लिए, उपाय के लिए। बहुत ही जल्दी काम करते हैं वो उपाय, वो टोटके जो तेजपान पत्ते से किए हुए होते हैं। आप ऐसा कीजिए जरूर, पूरे विश्वास के साथ में, पूरी श्रद्धा के साथ में कीजिए और फिर जब रिजल्ट मिले मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो हेल्पफुल रहता है, वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी आपसे नई किसी जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।